बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 11 है हमारे पास हेल्दी हैबिट्स। यूनिट नंबर 11 हेल्दी हैबिट्स पर हम ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट के टेक्स्ट की रीडिंग, टूथी टॉड, उसकी प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो। लैंग्वेज फोकस के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? अ डिक्शनरी इज अ रेफरेंस बुक। डिक्शनरी हमारे पास एक हवाले की किताब है, विच हैज़ अ लिस्ट, जिसमें फहरिस्त मौजूद होती है ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की, फ्रॉम वन और मोर लैंग्वेजेस, एक या एक से ज़्यादा जुबानों में, एंड देयर मीनिंग्स और उनके मानी मौजूद होते हैं। इट इज़ ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और डिक्शनरी हमारे पास हमेशा अलिफ बाई तरतीब में होती है। आप राइट साइड पे देख सकते हैं एक बुक की पिक्चर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी। इसको दोबारा रीड करते हैं। अ डिक्शनरी इज अ रेफरेंस बुक विच हैज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वन और मोर लैंग्वेजेस एंड देयर मीनिंग्स। डिक्शनरी हमारे पास एक हवाले की किताब है जिसमें अल्फाज की फहरिस्त मौजूद होती है एक या एक से ज़्यादा जुबानों में उनके मानी के साथ। इट इज़ ऑलवेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ये हमेशा अलिफ बाई तरतीब में होती है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारे पास वो ऑर्डर और वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से हमारे पास अल्फाबेट्स मौजूद हैं, ए बी सी डी ई एफ और इसी तरह जेड तक। आप अगर कोई डिक्शनरी की बुक देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वर्ड्स जो हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मौजूद हैं। पहले सारे वर्ड्स ए से मौजूद हैं, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से और इसी सीक्वेंस से जेड तक। मैं आपको सैम्पल के तौर पर एक डिक्शनरी की बुक दिखाती हूँ। ये हमारे पास डिक्शनरी है, इसको हम ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये डिक्शनरी भी हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप देखें, ये आप देखें, यहाँ से आप देखें ए स्टार्ट है, सारे वर्ड्स ए के हैं, फिर बी के, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यों स्किप हो गया बीच में, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। आपने देखा ये डिक्शनरी हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। इसमें आप देखें हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स हैं और इंग्लिश में मीनिंग्स लिखे हुए हैं इसके। ये इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है। आपको कई सारी डिक्शनरीज मार्केट में मिल जाएंगी जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में होंगी। कुछ मल्टी लैंग्वेजेस में भी मौजूद होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा जुबानें मौजूद होती हैं और उनके मानी लिखे हुए होते हैं। आप में से अगर कोई बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको डिक्शनरी ले के दें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर एक डिक्शनरी ले के दें
उनको डिक्शनरी कंसल्ट करना भी सिखाएं। अब आगे चलते हैं। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स को लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने साथ कोई रफ पेज लें और उस पर अपने लिए ABC लिख लें, जिससे आपको आसानी होगी और गलती भी नहीं होगी। इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास A से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है। नहीं, BG, ब्रश। CD, ई से कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। एफ से हमारे पास वर्ड है। GHIJKLMNOPQRST। W। और यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम इन वर्ड्स को रीड करते हैं और उनकी मीनिंग्स देखते हैं। ब्रश, ब्रश कहते हैं ब्रश करने को। क्लीन, साफ। डिके, सड़ना, गल सड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिल्थी। फिल्थी कहते हैं गंदा। टी, टूथ, दांत। W, वॉश, धोना। हमारे पास 6 वर्ड्स दिए हुए थे जिनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग का। वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़खीरा अंदोजी। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए अल्फाज को पढ़ें विद देयर मीनिंग्स, उनके मानी के साथ। एंड लर्न देम, और उनको सीखिए। ब्रेक द वर्ड्स इन सिलेबल्स, इन अल्फाज को उनके सिलेबल्स में तोड़ें। कंसल्ट द डिक्शनरी, डिक्शनरी की मदद लें या डिक्शनरी रुजू करें। एंड फिल अप द मिसिंग मीनिंग्स, और जो मीनिंग्स मिसिंग है, जो नहीं लिखे हुए, उनको डिक्शनरी से लिखें। इन वर्ड्स को रीड करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास परफेक्ट। परफेक्ट को उनके सिलेबिक फॉर्म में लिखते हैं, परफेक्ट। इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। मीनिंग है इसका एग्जैक्ट, करेक्ट इन एवरी डिटेल। उर्दू में हम कह सकते हैं उसको दुरुस्त या ठीक। सेकेंड वर्ड है हमारे पास फिल्थी। फिल्थ ई, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। डर्टी, मीनिंग है डर्टी। उर्दू में हम इसको गंदा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेल। स्पेल हमारे पास सिंगल सिलेबल वर्ड है। इसमें हमारे पास 1 ही सिलेबल है, इसका मीनिंग नहीं लिखा हुआ। इसको हम डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे। पहले हम वर्ड्स की सिलेबिक फॉर्म लिख लेते हैं, फिर जो मीनिंग्स नहीं है हम उनको लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिके। DK, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। डिसटेस्टफुल, डिसटेस्टफुल, इसमें हमारे पास 3 सिलेबल्स हैं। मीनिंग है हैविंग अ बैड टेस्ट, गंदा जायका। लास्ट वर्ड है हमारे पास डिलाइट। डी लाइट, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। इसका मीनिंग मिसिंग है, हम इसको डिक्शनरी से देखेंगे। अब हम डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे और जो मीनिंग्स हमारे पास नहीं लिखे हुए, हम उन मीनिंग्स को ढूंढ के यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेल। डिक्शनरी से वर्ड ढूंढने का ये तरीका है कि हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ढूंढेंगे। हम सबसे पहले S वाले वर्ड्स निकालेंगे, C
सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एन एस। अब हमारे पास एस के वर्ड सारे निकल आए हैं, अब हम इसमें अपना वर्ड ढूंढेंगे जो कि है स्पेल। अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्पेल कहाँ है। ये हमारे पास वर्ड है एस सी से, हमें वर्ड चाहिए एस पी से। ये एस ई ही चल रहा है अभी, एस एच एस के एस एम एस एम एस एन एस ओ के बाद हमारे पास पी आता है, तो अब हम एस पी हमारे पास आ चुका है, अब हम देखेंगे एस पी ई। ये हमारे पास स्पेल का वर्ड निकल आया है, अब हम देखेंगे। आप देख सकते हैं स्पेल वन स्पेल टू स्पेल थ्री। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इस डिक्शनरी में स्पेल के थ्री मीनिंग्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है टू राइट और से द लेटर ऑफ अ वर्ड इन द राइट वे, ये वाला मीनिंग हमें नहीं चाहिए, हम नेक्स्ट मीनिंग की तरफ चलते हैं। स्पेल अ वर्ड और वर्ड्स सपोज टू हैव मैजिक पावर्स, वो लव्स या ऐसे अल्फाज जिसमें जादुई ताकत हो, हमें ये वाला मीनिंग चाहिए। हमने स्टोरी टूथी टॉर में पढ़ा था कि उस विजिट ने एक स्पेल बनाया था। स्पेल क्या है हमारे पास? स्पेल हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें मैजिक पावर हो, मीनिंग लिखते हैं। अ वर्ड सपोज टू हैव मैजिक पावर्स। ऐसे अल्फाज जिसमें जादुई ताकत हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डीके। अब हम जाएंगे लेटर डी की तरफ। डी ई ढूंढेंगे हम। ये है हमारे पास डीके का वर्ड। अ स्लो रॉटिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर, आहिस्ता आहिस्ता किसी पौधे या किसी जानवर का गल सड़ जाना। रॉटिंग ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल, किसी पौधे या किसी जानवर का गल सड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलाइट। डिके और डिलाइट दोनों डी से स्टार्ट हैं। डी हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है, हम इसी में ढूंढते हैं डिलाइट का वर्ड। ये डी ई एल है, यहाँ पर हमें डिलाइट मिल जाएगा। ये है हमारे पास डिलाइट का वर्ड। ग्रेट प्लेयर जॉय, डिलाइट का मीनिंग है ग्रेट प्लेयर जॉय, खुशी। ग्रेट प्लेयर और जॉय, खुशी। आपने देखा हमने डिक्शनरी को कंसल्ट किया और उसमें से हमने इन वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पर लिखे हैं। इसी तरह आप भी डिक्शनरी यूज़ किया करें, उसको कंसल्ट किया करें, और जिन वर्ड्स की आपको मीनिंग समझ नहीं आते उसको आप डिक्शनरी से देख सकते हैं। नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। शो द डिक्शनरी टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को डिक्शनरी दिखाएं। गाइड देम हाउ टू लुक अप द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, और बच्चों की रहनुमाई करें कि वो डिक्शनरी में किसी लफ्ज़ को कैसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अब नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 119। टॉपिक है हमारे पास ग्रामर का। रिकॉग्नाइजिंग दैट साउंड ऑफ ईडी इन द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज प्रोनाउंस्ड इन थ्री डिफरेंट वेज। रिकॉग्नाइजिंग, पहचानना, दैट साउंड ऑफ ईडी इन पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज प्रोनाउंस्ड इन थ्री डिफरेंट वेज। अब हमने इसमें एक मेथड को पढ़ना है जिसमें हम ये देखेंगे कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में जब हमारे पास ईडी की फॉर्म बन जाती है तो उसमें ईडी की जो साउंड है उसको हम थ्री डिफरेंट वेज से प्रोनाउंस करते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए पहले हम कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले वर्ब को रिवाइज करेंगे। वर्ब हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। अ वर्ड दैट शोज एक्शन, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, क्राइंग एट्सेट्रा। उसके बाद हम देखेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेंस, कि क्या वो काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होने वाला है। उसकी बेस पर हम वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं। एक उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। सेकंड फॉर्म हमारे पास इसकी आती है पास्ट फॉर्म की, और थर्ड फॉर्म हमारे पास इसकी आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की या फ्यूचर फॉर्म की। रेगुलर वर्ब्स में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी ऐड कर देते हैं। जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी ऐड करते हैं उसके बाद हमारे पास उस ईडी वर्ड्स की थ्री डिफरेंट साउंड्स आती हैं, उसको हम थ्री डिफरेंट वेज से प्रोनाउंस करते हैं। आज हम उन्हीं मेथड्स को देखेंगे। एग्जांपल ऑफ आईडी, हमारे पास उस ईडी की जो थ्री प्रोनंसिएशन आती हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट है आईडी जो कि हमें साउंड देती है इट की, सेकेंड है ट की, थर्ड है ड की। इसको पढ़ने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास वॉइस्ड लेटर्स हैं और वॉइसलेस लेटर्स हैं। वॉइस्ड लेटर्स हमारे पास ऐसे लेटर्स और ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें हमारे वोकल्स यूज होते हैं, हमारे गले का जोर लगता है। वॉइसलेस लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हमारे पास वो लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें हमारे गले का जोर नहीं लगता बल्कि हम उनको अपने मुंह से लिप से प्रोनाउंस करते हैं। जिन वर्ड्स में हमारे वोकल्स यूज होते हैं या जो हमारे पास वॉइस्ड लेटर्स हैं उनमें हमारे पास साउंड आएगी ड की, जबकि वॉइसलेस लेटर्स और अल्फाबेट्स में हमारे पास साउंड आएगी ट की। इट की साउंड आएगी हमारे पास उस वर्ड में जहां पर उस बेस वर्ब का जो लास्ट लेटर होगा वो या तो डी होगा या टी होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नी डिड। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास लास्ट लेटर डी है। वॉन्टिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लास्ट लेटर टी है। तो इसकी जो साउंड है वो हमें आ रही है इड की, नी डिड वॉन्टिड। अब हम ट की तरफ चलते हैं। आस्क्ड, मिस्ड, आपने देखा इसमें हमारे पास हमारे वोकल्स यूज नहीं हुए, ये हमारे पास वॉइसलेस लेटर्स और अल्फाबेट्स हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास वॉइसलेस लेटर्स और अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। आस्क्ड, मिस्ड, इसमें आप देखेंगे हमारे पास साउंड ट की आ रही है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ डी, ड की साउंड है, ये हमारे पास वॉइस्ड लेटर्स और अल्फाबेट्स यूज हुए हैं इसमें। बज्ड, कॉल्ड, इसमें आपने देखा हमारे गले का जोर लग रहा है, हमारे वोकल्स यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से इसमें ड की साउंड हमें आ रही है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। इसकी एक्टिविटी करते हैं आप। द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, ये हमारे पास नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि इसी टेक्स्ट टू द टॉट से लिए गए हैं।
Try to recognize the sounds of these words as we pronounce. अब इसमें हमें वही ed की साउंड प्रोनाउंस करनी है कि क्या वो it की साउंड है या t की साउंड है या d की साउंड है. फर्स्ट वर्ड है हमारे पास delighted. आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट वर्ब का जो हमारे पास लास्ट लेटर है वो टी है, इसलिए इसमें हमारे पास आई डी की साउंड आ रही है इड की. डिलाइटेड. डिसाइडेड, इसमें हमारे पास आई डी की साउंड आ रही है क्योंकि इसका रूट लेटर का लास्ट रूट वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो हमारे पास डी है. डिसाइडेड, इसमें आप देखें हमारे पास रूट वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो डी है, इसलिए इससे आई डी इड की साउंड आ रही है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लाइट. लाइट में हमारे पास आपने देखा ये हमारे पास वॉइसलेस लेटर्स हैं जिससे हमारे पास टी की साउंड आ रही है ट की. लाइट. नेक्स्ट स्पेल, इसको स्पेल्ड कर लेते हैं. स्पेल्ड, आपने देखा कि ये हमारे पास वॉइस्ड लेटर्स हैं स्पेल्ड, इसमें हमारे पास डी की साउंड आ रही है ड की. लास्ट वर्ड है हमारे पास इंजॉयड. इंजॉयड में भी वॉइस्ड लेटर्स यूज हुए हैं इसलिए इससे हमें ड की साउंड आ रही है. यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक एंड होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास WH words. WH words. Notice the use of WH words in the given questions. दिए हुए सवालात में WH words के इस्तेमाल को और से देखें. Read me section में देखते हैं कि WH words हमारे पास क्या है. Simple WH questions. WH words हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो कि questions सवाल करने में सवाल बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं. डब्ल्यू एच क्वेश्चन स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड्स. डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो डब्ल्यू और एच लेटर से स्टार्ट होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड जिसमें डब्ल्यू एच आए वो क्वेश्चन में यूज़ हो, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हम क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं जो कि डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं. इसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको रीड करते हैं. व्हाट, व्हाट है हमारे पास क्या. व्हेन, कब. वेयर, कहाँ. हु, कौन. हूँ, किसे. विच, कौन सा. Whose, किसका. Why, क्यों. How, कैसे. आपने देखा हमने जितने भी ये वर्ड्स पढ़े हैं इन वर्ड्स में डब्ल्यू एच का जो लेटर है वो कॉमन है, सब वर्ड्स में आया है. अब इन डब्ल्यू एच वर्ड्स के यूज़ को हम देखेंगे. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमें दी हुई हैं, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं. इन क्वेश्चंस को ब्रीड करते हैं कि इन डब्ल्यू एच वर्ड्स को कैसे यूज किया गया है. वट इज दिस, वट का मीनिंग है क्या. वट इज दिस, ये क्या है. दिस इज एन ओल्ड कैमरा, ये एक पुराना कैमरा है. आप यहाँ पर कैमरा की पिक्चर भी देख सकते हैं. ये क्वेश्चन किया गया है कि वट इज दिस, ये क्या है, और यहाँ पर उसका आंसर मैंशन किया गया है. सेकेंड है हमारे पास वेन. वेन है कब. When will you go to the zoo? आप zoo कब जाएंगे. Question mark. I will go on Sunday. मैं संडे को जाऊंगी. Next, where? कहाँ. Where is my jacket? मेरी jacket कहाँ पर है. आपको यहाँ पर jacket की picture भी show हो रही होगी. It is in my bedroom. वो मेरे bedroom में पड़ी है. Who is your friend? Who? कौन. Who is your friend? आपका friend कौन है. Hamad is my friend. Hamad मेरा दोस्त है. Next, whom? किसे. Whom will you invite? आप किसे invite करेंगे.
आई विल इन्वाइट ऑल माई क्लासमेट्स, मैं अपने तमाम क्लासमेट्स को इन्वाइट करूंगी. नेक्स्ट विच, विच है कौन सा. विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग पसंद है. आई लाइक ब्राउन कलर, मुझे ब्राउन कलर पसंद है, भूरा रंग. हूज, हूज किसका. हूज वॉच इज दिस, ये घड़ी किसकी है. दिस इज माइन, ये मेरी है. नेक्स्ट वाई, क्यों. वाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों आए हैं. आई मिस्ड द मॉर्निंग बस, मुझसे सुबह की बस मिस हो गई थी. आपको यहाँ पर स्कूल बस नजर आ रहा होगा. हाउ डू यू फील नाउ, हाउ कैसे. हाउ डू यू फील नाउ, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है. आई एम मच बेटर नाउ, अब मैं बेहतर हूँ. आपने देखा ये हमारे पास WH वर्ड्स थे जिनके क्वेश्चंस बनाए गए थे और उनके आंसर्स भी मेंशन किए गए थे. यहाँ पर आपने उसके यूज़ को देखा. अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 120 पर. यहाँ पर हमारे पास इन्हीं WH वर्ड्स से रिलेटेड एक एक्टिविटी दी हुई है. इस एक्टिविटी को अब हम करेंगे. चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चन फॉर्म्स एंड प्रैक्टिस. हमारे पास नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमने उनको WH क्वेश्चन फॉर्म्स में चेंज करना है. इनको रीड करते हैं. साइड में राइट साइड पे हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी दी हुई है जिसमें एक WH वर्ड लिखा हुआ है हु, एक है व्हाट, एक है व्हेन, एक है वेयर. हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ. अब हम इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं और इनको WH क्वेश्चन फॉर्म्स में चेंज करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, आलिया वॉन्ट्स टू बाय अ बुक. आलिया एक बुक खरीदना चाहती है. अब इस स्टेटमेंट को हम WH क्वेश्चन फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. हम लिखेंगे व्हाट डज आलिया वॉन्ट टू बाय. आलिया क्या खरीदना चाहती है. क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे एंड पर. ये हमारे पास WH क्वेश्चन फॉर्म बन गई है. नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. माई फ्रेंड्स बर्थडे इज ऑन 26th. मेरे फ्रेंड की बर्थडे 26th को है. व्हेन इज योर फ्रेंड्स बर्थडे. इसको हमने WH क्वेश्चन फॉर्म में चेंज किया है. When is your friend's birthday? आपकी फ्रेंड की बर्थडे कब है. My friend's birthday is on 26th. Next statement की तरफ चलते हैं. It's 10 o'clock. What is the time? क्या वक्त हो रहा है. It's 10 o'clock. 10 बज रहे हैं. Last statement की तरफ चलते हैं. My uncle's house is in satellite town. मेरे चचा का घर satellite town में है. Where is your uncle's house? आपके चचा का घर कहाँ पर है. My uncle's house is in satellite town. आप देख सकते हैं हमारे पास राइट साइड में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. आप देखें यहाँ पर एक गर्ल है, बॉय है, एक कैट है और आई थिंक ये भी एक गर्ल है. ये पिक्चर ब्लर है. इनके लिए यूज़ किया गया है हु, कौन. यहाँ पर सीजर है, कार है, ट्री, शूज, बॉल. इनके लिए यूज़ किया गया है व्हाट. यहाँ पे क्लॉक है, सन, कैलेंडर और मून, स्टार्स भी दिए हुए हैं. ये टाइम को शो कर रहे हैं तो इनके साथ व्हेन ऐड किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन इज योर फ्रेंड्स बर्थडे जो कि कैलेंडर से हमारे पास आ रहा है. डेट के लिए हम व्हेन यूज करते हैं. लास्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास आई थिंक पेपर है, ग्लोब बना हुआ है, हाउस है,
इनके लिए लिखा हुआ है वेयर, कहाँ। यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चन फॉर्म्स का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, बिलो इज ए लिस्ट ऑफ एक्शंस। नीचे हमारे पास एक्शंस की एक फहरिस्त दी हुई है। Sometimes we wash hands before the actions and sometimes after doing them. हम हाथ धोते हैं कभी कभार किसी काम के करने से पहले और कभी कभार किसी काम के करने के बाद। Put a circle around the actions for before and a square for actions after which you must wash your hands. यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल, दो साइंस दिए हुए हैं, एक सर्कल एक स्क्वायर। हमने इन दोनों साइंस को यूज करना है। सर्कल हमें यूज करना है उन स्टेटमेंट्स के आगे जिनसे पहले हमें हाथ धोने चाहिए, और स्क्वायर हमें उन स्टेटमेंट्स के आगे यूज करना है ऐसे एक्शंस जिनके करने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। अब हम इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। यूजिंग द बाथरूम, वी शुड वॉश हैंड्स आफ्टर यूजिंग द बाथरूम। आफ्टर के लिए है तो आफ्टर के लिए हम स्क्वेयर, यहां पर स्क्वेयर लगाएंगे। ईटिंग, वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड इवन आफ्टर ईटिंग। यहां पर हम स्क्वेयर भी लगा लेंगे और सर्कल भी लगाएंगे। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों में हमें हाथ धोने चाहिए। टचिंग योर आईज, वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर टचिंग अवर आईज। आंखों को हाथ लगाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए ताकि हमारे आंखों में कुछ चला ना जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कुकिंग डिनर, वी शुड वॉश अवर हैंड्स बिफोर कुकिंग डिनर। यहाँ पर सर्कल आ जाएगा। टचिंग एनिमल्स, वी शुड वॉश अवर हैंड्स आफ्टर टचिंग एनिमल्स। जानवरों को हाथ लगाने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए। क्लीनिंग योर रूम, वी शुड वॉश अवर हैंड्स आफ्टर क्लीनिंग अवर रूम। टचिंग गार्बेज, वी शुड वॉश अवर हैंड्स आफ्टर टचिंग द गार्बेज। ब्लोइंग योर नोज, we should wash our hands after blowing our nose. Touching pet food, we should wash our hands after touching pet food. यहाँ पे भी हम square लगाएंगे। अब आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास कुछ pictures भी दी हुई है। ये है हमारे पास blowing nose, जिसके लिए हमने square का sign use किया था, इसलिए कि हमें हाथ धोने चाहिए आफ्टर ब्लोइंग अवर नोज। सेकेंड, कुकिंग, कुकिंग डिनर, कुकिंग से पहले बाद में दोनों में हमें हाथ धोने चाहिए। यहाँ पे हमने इसमें सर्कल ऐड किया था कि बिफोर हमें हाथ धोने चाहिए, हमें आफ्टर खाना बनाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। यहाँ पे टचिंग पेट फूड, ये पेट फूड है हमारे पास, आफ्टर टचिंग पेट फूड वी शुड वॉश अवर हैंड्स। ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ऑपोजिट वर्ड्स आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। नीचे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमने इन ब्लैंक्स में ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ऑपोजिट मुतजाद अल्फाज, रीड करते हैं। Will you go upstairs and then dash to have lunch? क्या आप पहले सीढ़ियों पर ऊपर जाएंगे और फिर downstairs आएगा, इसमें फिर सीढ़ियों पर नीचे वापस आना। Come downstairs, ऊपर जाना नीचे जाना, upstairs downstairs, सीढ़ियों पर ऊपर जाना सीढ़ियों पर नीचे आना। Second, the rich man was ready to help the poor. Next, the night follows the day. यहाँ पर day आएगा, रात के बाद दिन आता है। Be good and do not play with dash boys. Good
ऑपोजिट है बैड. बी गुड एंड डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज. यहाँ पे आपने देखा अपस्टेयर्स का हमने ऑपोजिट लिखा डाउनस्टेयर्स. रिच पुअर नाइट डे गुड बैड. ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं पेज नंबर 121 पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग. राइटिंग लिखना, लर्निंग टू राइट लिखना सीखिए. आफ्टर रीडिंग द स्टोरी द टूथी टॉड व्हाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ. Write in 2-3 sentences. After reading the story, the toothy toad. कहानी the toothy toad पढ़ने के बाद why do you think it's important to brush your teeth? आपको क्यों लगता है कि दांत ब्रश करना जरूरी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं WH word use किया गया है. Why? क्यों? Write in 2-3 sentences. अपने आंसर को 2-3 सेंटेंसेस में लिखें. आप राइट साइड पे देखें हमारे पास एक गर्ल है जो कि अपने टीथ जो है वो ब्रश कर रही है. इसका आंसर रीड करते हैं. यूनिट नंबर 11 हेल्दी हैबिट्स राइटिंग. व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू ब्रश अवर टीथ. क्या लगता है आपको कि दांत ब्रश करना क्यों जरूरी है? ब्रशिंग अवर टीथ इज इम्पॉर्टेंट. दांत ब्रश करना अहम है बिकॉज क्योंकि इट कीप्स अवर टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग. क्योंकि ये हमारे दांतों को साफ और मजबूत रखती है. इट प्रिवेंट्स ये बचाती है टूथ एक्स दांत के दर्द से. एंड गिव्स अस फ्रेश ब्रेथ और हमें ताज़ा सांस देती है. सो इट्स मैंडेटरी. मैंडेटरी ज़रूरी. तो ये ज़रूरी है टू ब्रश अवर टीथ कि हम अपने दांतों को साफ करें एवरी मॉर्निंग हर सुबह एंड नाइट और हर रात टू हैव हेल्दी टीथ ताकि हमारे सेहतमंद दांत रहें. दोबारा से इसको रीड करते हैं. ब्रशिंग अवर टीथ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स अवर टीथ क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग. इट प्रिवेंट्स टूथ एक्स एंड गिव अस फ्रेश ब्रेथ. सो इट्स मैंडेटरी टू ब्रश अवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट टू हैव हेल्दी टीथ. अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं क्रिएटिव राइटिंग. एक्सप्लेन इन अ फ्यू लाइंस हाउ डू यू कीप योर रूम क्लीन. एक्सप्लेन वजाहत करें इन फ्यू लाइंस चंद सत्रों में हाउ डू यू कीप योर रूम क्लीन कि आप अपने रूम को कैसे साफ रखते हैं. आप देख सकते हैं आपके पास दो पिक्चर्स हैं. दोनों पिक्चर में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम देखेंगे कि एक रूम जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से है, साफ सुथरा है, जबकि दूसरे रूम में चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, रूम गंदा है. अब हमने नीचे हमारे पास कुछ लाइंस दी हुई है. हमने उन लाइंस में लिखना है कि हम अपने रूम को कैसे साफ रखते हैं. लिखना स्टार्ट करते हैं. आई ऑलवेज कीप My room clean. मैं हमेशा अपने रूम को साफ रखती हूँ. First, सबसे पहले I pick up, मैं उठाती हूँ my toys, अपने खिलौनों को जमीन से and put them in their proper places. सबसे पहले मैं अपने खिलौने उठाती हूँ और उनको उनके मुनासिब जगह पर रखती हूँ. Then I make my bed neatly. फिर मैं अपना बिस्तर साफ करती हूँ, उसकी बेडशीट ठीक करती हूँ. आई यूज अ ब्रश टू स्वीप अप द फ्लोर. फर्श साफ करने के लिए मैं ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ. फाइनली
आई थ्रो द ट्रैश इन द ट्रैश बिन, और डस्टबिन भी कह सकते हैं आप. दिस इज हाउ आई कीप माई रूम क्लीन. इसी तरीके से मैं अपने रूम को साफ रखती हूँ. इसको दोबारा से रीड करते हैं. आई ऑलवेज कीप माई रूम क्लीन. फर्स्ट I pick up my toys and put them in their proper places. Then I make my bed neatly. I use a brush to sweep up the floor. Finally, I throw the trash in the trash bin. This is how I keep my room clean. और यही तरीका है कि मैं अपने रूम को साफ रखती हूँ. यहाँ पर हमारा ये यूनिट एंड होता है. जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.